बहरे के डॉकयार्ड में बहरीन जहाजों के रीफिटिंग का सिलसिला कामयाबी से चल रहा। कामरा में F6 रीबिल फैक्ट्री और मिराज रीबिल फैक्ट्री में लगातार तैयारों की ओवरहॉलिंग कामयाबी से मुकम्मल की। इसके साथ साथ एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में मेड इन पाकिस्तान तरबियती तैयारों की प्रोडक्शन भी होने लगी। पाकिस्तान ने अगरचे 1986 में ही एटमिक ताकत हासिल कर ली थी, लेकिन मुल्क के मुहाब में इसे अभी दुनिया के सामने आया नहीं किया गया। लेकिन सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से इंसला के साथ ही अमेरिका ने प्रेशर तबीम के नतीजे में पाकिस्तान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी, और इसके लिए वही पुराना इल्जाम दोहराया गया कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है। जबकि यह तैयारी तो उस वक्त जारी थी जब रूस अफगानिस्तान में मौजूद था। इस बार पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क्यादत ने यह दाहिया कर लिया था कि अब खुद निशानी की पॉलिसी पर अमल करते हुए अपने दिफा को मजबूत बना रहा है। इसी बिना पर फैसला कर लिया गया कि अब पाकिस्तान अपनी दिफाई जरूरतों को पूरा करने के लिए साइंसी बुनियादों और जदीद तकाजों के मुताबिक अपने फौजी साजो सामान खुद तैयार करेगा। इस पॉलिसी के तहत दो जदीद टैंकों की मुकम्मल तैयारी का काम हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में शुरू हुआ। मिसाइल टेक्नोलॉजी का काम भी 80 की दहाई के आखिर में शुरू कर दिया गया। बदले के अवान में पड़ोसी दोस्त जमहूरिया चीन की मदद से जदीद लड़ाका तैयारे एस-9 प्रोजेक्ट के काम का आगाज किया गया। 80 की दहाई में फ्रांस की मदद से ऑगस्टा आबदोस 90B की तैयारी फ्रांस में शुरू हो चुकी थी। इन तमाम काविशों के नतीजे में पाकिस्तान का खुदसाख्ता जदीद टैंक अल-ग़ालिब 2001 में पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया गया। अल-ग़ालिब टैंक दुनिया के बेहतरीन टैंकों में शुमार होता है। यह खास तौर पर पंजाब के मैदानी और सिंध के रेगिस्तानी इलाकों की मखसूस जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसकी रफ्तार, मजबूती और दानिश की पहुंच अल-ग़ालिब को अकवाम-ए-आलम के टैंकों में एक मुमताज हैसियत देती है। इसके अलावा हैवी इंडस्ट्री टेक्सला ने एक और खुद साख्ता अल-ज़रार टैंक भी बनाया जो 2004 में पाक फौज के हवाले किया गया। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में बगैर किसी बैरूनी इमदाद के अब यह सलाहियत हासिल कर ली गई है। न सिर्फ भारी फौजी साजो सामान अपनी जरूरत के मुताबिक बनाया जा रहा है, बल्कि इससे दूसरे ममालिक को बराबर करके जर मुबादला भी हासिल हो रहा है। तैयारी का मरहला तय करते हुए पहली पाकिस्तानी आबदोज हमजा को अपने बहरी गढ़े में शामिल किया। 1998 में एक बार फिर भारत ने अटमी धमाके किए और पाकिस्तान के लिए नाकुशी हो गया कि वो भी एटम बम बनाने की सलाहियत को दुनिया खासतौर पर भारत के सामने ले आए। चुनाते 28 मई 1998 को पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों ने पाक अफवाज की निगरानी में सूबे बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले चाहे के इलाके में सुरंग खोद कर इंतहाई गहराई में 6 एटमी धमाके कर दिए, और यूं पाकिस्तान भी अकवाम-ए-आलम के न्यूक्लियर क्लब का रुकन बन गया। पाकिस्तान एटमी सलाहियत हासिल करने वाला सातवां और वाहिद इस्लामी मुल्क है। एटमी सलाहियत हासिल करने के बाद एक और अहम बढ़ाना ये भी था कि जौहरी हथियार के कैरियर को भी डेवलप किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब अकवाम-ए-आलम ने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लिया हो तो उसका मुतबादल तलाश किया जाए। चुनाचे पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम 80 के दहाई में कामयाबी से शुरू हो चुका था, पर मजीद काम किया जाए और उसे मौसर बनाया जाए। पाकिस्तानी इंजीनियर्स की अनथक मेहनत रंग लाई और पाकिस्तान इस काबिल है कि अब हमारी अफवाज न सिर्फ कम फासले पर मार करने वाले मिसाइल से लैस है, जबकि अख्तियारी फस है और इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल भी फौरी तौर पर काबिल इस्तेमाल हालत में है। शाहीन और रात के नाम काबिल जिक्र है। इस हवाले से यह हकीकत काबिल फख्र है कि पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम और इसकी एक्यूरेसी की सलाहियत दुनिया में एक नुमाया मकाम रखती है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत का सबूत ये भी है कि पाकिस्तान दुनिया के उन तन ममालिक में से है जो तीनों प्लेटफॉर्म जमीन से जमीन, समुद्र से जमीन और हवा से जमीन मिसाइल को ठीक निशाने पर दाखने की सलाहियत रखता है। ये तमाम सलाहियत पाकिस्तान की एक खुदसाख्ता है और इसमें रोज बरोज नित नई तब्दीलियां और बेहतरी लाई जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान ने
मकसद मोबाइल का तजुर्बा कामयाबी के साथ किया गया है। इसका मकसद मैदानी जंग में जंगी हथियारों के इस्तेमाल में लाना है और ये भारत के कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्राइन के नतीजे में डिजाइन हुआ। पारा मिसाइल सिस्टम जो वेपन सिस्टम है वो इंडिया से बहुत ज्यादा सुपीरियर है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है, उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। और अब फिर जब इंडिया ने पोस्ट न्यूक्लियराइजेशन जो ये शुरू किया कोल्ड स्टार की स्ट्रेटजी जिसको पी ओ प्रो एक्टिव ऑपरेशन का नाम देना शुरू किया, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया ये जो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जो डेवलपमेंट है उसके बाद, और यही उनको बहुत ज़्यादा इसकी फिक्र है और इसी को हर फोरन तो करते रहते हैं कि ये एस्केलेशन है, खुद जो करते नहीं उसका कुछ नहीं जवाब दिया जाए, तो अब उसके पास एक्चुअली इनका कोई जवाब नहीं है। उनकी जो कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी थी आपकी प्रोएक्टिव ऑपरेशन का जो भी वो कहते उसका कोई फानियत नहीं रही। और दहली ने जमहूरियत चीन की मदद से पहले 3 फ्रिगेट चीन में तैयार किए और जून 2011 में चौथी फ्रिगेट की तैयारी पाकिस्तान में शुरू की गई और इसे पाक पहले में शामिल किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की के ताबूत से जंगी बहरी जहाजों की तैयारी का काम क्रांति शिपयार्ड में कर रहा है और ये जंगी बहरी जहाज जमहूरियत चीन के ताबूत से शुरू किया था। इसका समय 25 अगस्त 2003 को सामने आया जब F-Super 7 प्रोजेक्ट की पहली तैयारी JF-17 थंडर ने चीन के शहर चेंगडू में एक कामयाब उड़ान भरी और पाकिस्तानियों ने पहली बार JF-17 थंडर की उड़ान को दिखाया 2007 में जब पाकिस्तान परेड पर देखा। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में मुकम्मल तौर पर तैयार हो रहा है और 50 JF-17 थंडर पाक फजाइया में शामिल किए जाने के बाद मुल्क की फजाई सरहदों की निगरानी पर मामूल है। पाक फजाइया का इंजीनियरिंग विंग जदीद तब्दीली और बेहतरी के साथ JF-17 थंडर के दूसरे बैच पर काम कर रहा है। ये आज के मॉडर्न जहाजों से कंपेटेबल है उसकी जो ऑपरेशन कैपेबिलिटी है, तो ये वो जहाज है जो कि आज पाकिस्तान पर फख्र से न सिर्फ अपनी फौज में लड़ रहा है बल्कि दूसरे ममालिक को भी ऑफर कर रहा है कि वो भी इस जहाज से लड़ आएं। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स बगैर पायलट के उड़ने वाले तैयारे जिन्हें ड्रोन के नाम से जाना जाता है को बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क में तैयार होने वाले जदीद तैयारे बाहर बीमारी को फरोख करके खतीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में JF-17 थंडर और ड्रोन तैयारों से दहशत गर्दों के ठिकानों के निशानदेही के साथ साथ उनको तबाह करने का मौसर इस्तेमाल भी किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसलह अफवाज को एक कठिन दौर से गुजरना पड़ा क्योंकि ये जंग हमारे अवाम और मुसलह अफवाज के अंदर बैठे उन दहशतगर्द अनासिर से लड़ना पड़ रही है जो हमारी सफों में शामिल होकर हमें जानी और मारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुसलह अफवाज ने दहशतगर्दी के सामने आए हुए इलाकों में बेशुमार कामयाब ऑपरेशन किए और आखिरी दहशतगर्द तक की बेहतरी करके ऐसे इलाकों में एक बार फिर मुकम्मल आग प्रहार कर दिया। पाकिस्तान की मुसलह अफवाज ने आलमी सतह पर नुमाया कामयाबियाँ हासिल की है। पाक परी फौज 1968 से मुख्तलिफ मुतनाज़ा इलाकों में अक़वामे मुत्तहिदा की अमन फौज के तौर पर काम कर रही है और आलमी सतह पर अमन की कवशों को बेहद सराहा किया। इसके अलावा पाक दहली ने भी बीमारी की मदद करते हुए ऑपरेशन मुकम्मल किए। पाक दहलिया अक़वामे आलम में एक नुमाया मकाम रखती है। इसका सबूत यह है कि पाक दहलिया 2004 से कम्बाइंड टास्क फोर्स 150 और 2009 से कम्बाइंड टास्क फोर्स 151 का हिस्सा है। गुज़श्ता 70 सालों में फर्क पाकिस्तान को भी मुतअद्दिद बार कुदरती आफात का सामना करना पड़ा और ऐसे तमाम मौके पर पाकिस्तान की बारी बहरी और फजाई अफवाज ने इनकार और बहाली का काम जाफिशानी से पाए तकनीक तक पहुँचाया। अक्टूबर 2005 के जल्जले के नतीजे में आज़ाद कश्मीर और सूबह खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाके शदीद मुतासिर हुए। पाक अफवाज ने इस मौके पर दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन किए और न सिर्फ इमदादी कामों को सरंजाम दिया बल्कि जल्जला मुतासिरीन की तिब्बी इमदाद उनकी फजाई जरूरियात और आबादकारी का काम भी तनदेही से मुकम्मल किया। मुसलह अफवाज जंग अम कुदरती आफात और अंदरूनी खल्फिशार हर सूरतेहाल में आगे बढ़कर मुल्क कौम की मदद कर पहुंची। पाक फौज तरक्की जदीदियत और आला पेशेवराना अहलियत के हुसूल में भी मुसलसल
कोशा है। यकीनन माजी की तरह हर सूरत हाल में अपने हाय बुलाया को दोहराती रहेगी और यकीनन मुल्क को के लिए इसका बेमिसाल सफर जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। हमारी हॉबी तारीफ है आज भी उन मंजिलों के निशान सब हैं जिनकी जुस्तजु में पाकिस्तानी शहीदों ने ऐसी दास्तानें नकल की जिनकी बाजगश आज भी दुश्मनों के दिल दहला देती है। अलहिजा के शहसवारों ऐ वतन के जानिसारों तुम्हें खून भी नजर आ सात सितंबर यौमे फिजाइया किसी भी कौम और उसके लिए जान देने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। सिलाए शहीद क्या है तब मुताबिक जान दिया भी नहर वो एक डिफेंस लाइन थी उस वार का आकर ही पाकिस्तान हिंदुस्तान प्रोफेसर की जंग इसके दरमियान इसी जगह पे जब सैसल चौधरी उसने दुश्मन के तैयारी मान गिराए थे कि वो मुसलमान नहीं था क्रिश्चियन लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों को पाकिस्तान से वापस होनी चाहिए।